हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईटी स्टडी। आज के इस वीडियो में हम जुलाई महीने के सेकंड वीक की करंट अफेयर्स को देखने वाले हैं। तो इसमें हम लोग 8 से लेकर 14 जुलाई तक जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी को कवर करेंगे। तो आपको इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से और अंत तक देखना है, क्योंकि यहाँ से डेफिनेटली आपके एग्जाम से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये रहा आज का सबसे पहला सवाल, किस राज्य ने 12 जुलाई को जल बचाओ दिवस मनाया है। यहाँ पर हर एक क्वेश्चन के लिए मैं आपको 3 सेकंड का समय दूंगा और उसके बाद मैं राइट आंसर बताऊंगा। तो उस बीच में आपको राइट आंसर सोचना है। तो बताइए इसका क्या आंसर होगा। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल सरकार ने पानी के दुरुपयोग को रोकने के लिए यह जल बचाओ दिवस मनाया है पहली बार। तो अब से पश्चिम बंगाल सरकार हर साल 12 जुलाई को जल बचाओ दिवस मनाएगी, यानी कि सेव वाटर डे। तो इसको आप याद रखिएगा। यहां पर आपको बता दूं कि 12 जुलाई के ही दिन आपको एक और इंपॉर्टेंट डे याद रखना है, मलाला दिवस, जो कि मलाला यूसुफजई के जन्मदिवस के रूप में मनाया जाता है। आपको इनके बारे में पता ही होगा, ये पाकिस्तान के हैं और इन्हें 2014 में नोबेल पुरस्कार शांति के लिए मिला था। तो इसको आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। जल शक्ति अभियान का राजदूत यानी कि एम्बेसडर किसे बनाया गया है। जल शक्ति अभियान के एम्बेसडर बने हैं आमिर खान। सो यहाँ पर ऑप्शन डी सही होगा। और आपको बता दूं कि ये अभियान देश के उन 256 जिलों में चलाया जा रहा है जहाँ पर पानी की सबसे ज़्यादा समस्या है। और अगर आपसे ये पूछा जाए कि ये किस मंत्रालय के द्वारा चलाया जा रहा है, तो आंसर होगा जल शक्ति मंत्रालय, क्योंकि अब जल से जुड़े सभी मामलों के लिए एक ही मंत्रालय है, जल शक्ति मंत्रालय। इसके केंद्रीय मंत्री कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत, जो कि जोधपुर से लोकसभा सांसद हैं। इनमें से किस देश ने महिला फीफा विश्व कप 2019 जीत लिया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको बता दूं, इस बार अमेरिका ने 2-0 से नीदरलैंड को हराकर यह खिताब जीत लिया है। सो यहां पर ऑप्शन ए सही होगा। और इसका आयोजन कहां पर किया गया था? फ्रांस में, जो कि आप यहां पर देख सकते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, इसका आयोजन किया गया है फ्रांस में और इस बार ये इसका 8वां संस्करण था, ये भी याद रखिए। इस बार विजेता टीम रही अमेरिका और उपविजेता टीम रही नीदरलैंड। फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट बता दूं कि अमेरिका जो है इस बार इसका 4था खिताब है, यानी कि आप देख सकते हैं अब तक ये 8 बार हुआ है और 50% टाइम यानी कि 4 बार अमेरिका ने इसको जीत लिया है। और अब आपको इसमें 3 अवार्ड याद रखने हैं, गोल्डन बॉल और गोल्डन बूट। ये दोनों ही अवार्ड मिले हैं मैगन रेपिनो को, और गोल्डन ग्लव्स अवार्ड मिला है सैरी वान विंडल को। मैगन रेपिनो अमेरिका से हैं और सैरी वान विंडल ये हैं नीदरलैंड से। तो इस क्वेश्चन से रिलेटेड आपको इन सभी पॉइंट्स को याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व जनसंख्या दिवस यानी कि वर्ल्ड पॉपुलेशन डे कब मनाया गया? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि 11 जुलाई। तो हर साल 11 जुलाई को यूनाइटेड नेशन मनाता है वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। और फ्रेंड्स, आपको बता दूं कि अभी हाल ही में एक रिपोर्ट आई थी यूनाइटेड नेशन की, जिसमें यह कहा गया था कि 2027 तक भारत चाइना को पीछे छोड़ते हुए दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस खिलाड़ी ने एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच यानी कि ODI से संन्यास लेने की घोषणा की है? आई होप आप सभी को इसका राइट आंसर पता होगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि शोएब मलिक। तो शोएब मलिक, जो कि एक पाकिस्तानी क्रिकेटर हैं, इन्होंने ODI से संन्यास लेने की अनाउंसमेंट की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विंबलडन ओपन 2019 के महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो यहां पर मैंने लिखा है विंबलडन ओपन 2019। इसमें आपको सिर्फ दो ही कैटेगरी याद रखना है, पुरुष एकल और महिला एकल। पुरुष एकल में जीता है नोवाक जोकोविच ने, इन्होंने हराया है रोजर फेडरर को। और महिला एकल में जीता है सिमोना हालेप ने, और इन्होंने हराया है सेरेना विलियम्स को। तो फ्रेंड्स, अब हम इनकी कंट्रीज के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले है नोवाक जोकोविच। इनके बारे में आपको पता ही होना चाहिए, क्योंकि ये दुनिया के नंबर वन टेनिस खिलाड़ी हैं। ये हैं सर्बिया से, और रोजर फेडरर ये हैं स्विट्जरलैंड से। इसके बाद हैं सिमोना हालेप, जिन्होंने इस बार वुमेन सिंगल जीता है, ये हैं रोमानिया से, और आपको इनकी कंट्री ज़रूर याद रखना है। इसके बाद हैं सेरेना विलियम्स। सेरेना विलियम्स कहाँ से हैं? अमेरिका से। तो इन सभी को याद रखिएगा। अब हम क्वेश्चन पर आते हैं। यहाँ पर पूछा गया है कि विंबलडन ओपन 2019 में महिला एकल का किसने जीता है? तो आंसर होगा सिमोना हालेप, जो कि है रोमानिया से। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में बोनालू उत्सव किस राज्य में शुरू हुआ है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि तेलंगाना। यहाँ पर आपको बता दूं, जो बोनालू उत्सव है ये एक हिंदू त्यौहार है और इसमें देवी महाकाली की पूजा की जाती है। तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद, मुख्यमंत्री हैं के चंद्रशेखर राव, और इनकी पार्टी कौन सी है? TRS यानी कि तेलंगाना राष्ट्र समिति। और ये क्वेश्चन कई सारे एग्जाम्स में पूछा जा चुका है इनकी पार्टी का नाम, तो इसको आप याद रखिएगा। तेलंगाना के राज्यपाल कौन है? ESL नरसिम्हन, जो कि अभी तक आंध्र प्रदेश के राज्यपाल भी थे, लेकिन अब आंध्र प्रदेश के राज्यपाल बदल गए हैं,
उनका नाम क्या है? विश्वभूषण हरिचंदन। तो इनका नाम भी याद रखिएगा। अगला सवाल, किस राज्य ने वन टाइम सेटलमेंट योजना शुरू की है? अगर आपने हमारी पिछली वीडियो देखी होगी तो डेफिनेटली आप इसका राइट आंसर कर पाएंगे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि उत्तराखंड। तो उत्तराखंड सरकार ने NPA रिकवरी के लिए वन टाइम सेटलमेंट योजना शुरू की है। और वहां पर मैंने आपको ये बताया था कि NPA रिकवरी के लिए कर्नाटक बैंक ने वसूल सो फास्ट नाम का एक वेब टूल लॉन्च किया है। तो वहां पर मैंने आपको इस योजना के बारे में बताया था। अगर आपने वहां पर ध्यान से देखा रहा होगा तो आपको डेफिनेटली पता होगा। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। चंद्रशेखर द लास्ट आइकन ऑफ आइडियोलॉजिकल पॉलिटिक्स, ये पुस्तक किसने लिखी है? जैसा कि यहाँ पर नाम में लिखा है चंद्रशेखर, तो ये पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के जीवन पर लिखी गई है। इसे लिखा है हरिवंश नारायण सिंह ने। सो यहाँ पर ऑप्शन डी सही होगा, हरिवंश नारायण सिंह। दुनिया का सबसे बड़ा बर्न और प्लास्टिक सर्जरी इंस्टीट्यूट कहाँ पर शुरू हुआ है? ये संस्थान हमारे पड़ोसी देशों में से एक यानी कि बांग्लादेश में शुरू हुआ है। सो यहाँ पर ऑप्शन बी सही होगा। आपको बता दूं कि बांग्लादेश हाल ही में चर्चा में इसलिए भी था क्योंकि यहाँ पर पहली लौह अयस्क खदान खोजी गई थी दिनाजपुर ज़िले में। तो इसको भी याद रखिएगा। और भारत और बांग्लादेश के बीच में एक युद्धाभ्यास भी होता है संप्रति के नाम से। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। किस राज्य सरकार ने पद्म पुरस्कार विजेताओं को 10,000 रुपये का मासिक भत्ता देने का फैसला किया है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि ओडिशा। तो ओडिशा सरकार ने पद्म पुरस्कार विजेताओं को जिनकी आर्थिक स्थिति सही नहीं है तो उनके लिए राज्य सरकार 10,000 रुपये मासिक भत्ता प्रोवाइड करेगी। इसको आप याद रखिएगा। और फ्रेंड्स आपको पता ही होगा कि जो पद्म पुरस्कार होता है ये भारत रत्न के बाद देश का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान होता है। इसमें तीन तरीके के पुरस्कार होते हैं, एक तो होता है पद्म विभूषण, उसके बाद होता है पद्म विभूषण और उसके बाद होता है पद्मश्री। अगर हम पद्म विभूषण की बात करें तो इस बार 4 लोगों को मिला था, पद्म भूषण मिला था 14 लोगों को और पद्मश्री मिला था 94 लोगों को। तो इस तरीके से टोटल इस बार 112 लोगों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इसको भी आप याद रखिएगा। फ्रेंड्स जैसा कि मैंने आपको बताया कि पद्म विभूषण 4 लोगों को मिला था, तो इनमें एक विदेशी भी थे जिनका नाम था इस्माइल उमर गुलेह और ये जिबूटी से थे। और यही क्वेश्चन अभी एग्जाम में पूछा भी गया था तो आपको इसे याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस देश में दुनिया का पहला तैरता हुआ डेयरी फार्म शुरू किया गया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि नीदरलैंड। तो नीदरलैंड में दुनिया का पहला तैरता हुआ डेयरी फार्म शुरू किया गया है। यहाँ पर जो रूस लिखा है, रूस से आपको कन्फ्यूज नहीं होना है क्योंकि रूस में दुनिया का पहला तैरता हुआ नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया है, यानी कि फ्लोटिंग न्यूक्लियर पावर प्लांट। तो इन दोनों में आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। रूस में बना है फ्लोटिंग न्यूक्लियर पावर प्लांट और नीदरलैंड में बना है फ्लोटिंग डेयरी फार्म। तो इन दोनों को याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। भारत की सबसे लंबी विद्युतीकृत सुरंग यानी कि लॉन्गेस्ट इलेक्ट्रिफाइड टनल, इसकी लंबाई कितनी है? इस रेलवे सुरंग की लंबाई है 6.6 किलोमीटर। सो यहाँ पर ऑप्शन बी सही होगा। फ्रेंड्स इससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं आइए उनको एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले है कि ये किन दो स्टेशनों के बीच में है, तो याद रखिएगा चेरलोपल्ली और रायपुरू, चेरलोपल्ली और रायपुरू। इसकी लंबाई मैंने आपको बता ही दिया 6.6 किलोमीटर। इसको बनाने में कितनी लागत आई है? 460 करोड़ रुपये। और ये सबसे इम्पोर्टेंट, ये कहाँ पर है? ये है आंध्र प्रदेश के नेल्लोर ज़िले में। और अगर हम बात करें कि इसे किस रेलवे ने बनाया है तो आंसर होगा दक्षिण मध्य रेलवे यानी कि साउथ सेंट्रल रेलवे। तो इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है तो आपको इसे याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का पहला हाथी पुनर्वास केंद्र यानी कि एलिफेंट रिहैबिलिटेशन सेंटर किस राज्य में बनेगा? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि केरल। तो केरल राज्य के कोट्टूर में देश का पहला हाथी पुनर्वास केंद्र। और अगर हम बात करें हाथियों के लिए पहला अस्पताल कहां पर बना है तो उत्तर प्रदेश के मथुरा में। तो इन दोनों को याद रखिएगा, कोट्टूर में बनेगा हाथी पुनर्वास केंद्र और मथुरा में बना है हाथियों के लिए पहला अस्पताल। किस देश में भारत की मदद से बनाए गए पहले मॉडल गांव का उद्घाटन किया गया है? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि श्रीलंका। तो श्रीलंका में एक गांव है जिसका नाम है रानी दुगामा, यहीं पर पहला मॉडल गांव बनाया गया है। आपको बता दूं कि श्रीलंका में युद्ध प्रभावित लोगों के पुनर्वास के लिए टोटल 100 गांव बनाए जाने हैं जिसमें टोटल 2400 मकान होंगे। तो इसी के तहत इन्हीं 100 में से एक गांव का उद्घाटन श्रीलंका के रानी दुगामा नाम के गाँव में किया गया है। तो फ्रेंड्स इसको याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस महाद्वीप के कई देशों ने मिलकर एक सिंगल करेंसी अपनाने का फैसला किया है जिसका नाम है इको? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि अफ्रीका।
एक्चुअल में अफ्रीका के जो पश्चिमी देश हैं उनमें से 15 देशों ने इसे अपनाने का फैसला किया है। यहाँ पर आपको बता दूं, जिन 15 देशों की मैं बात कर रहा हूँ ये सभी देश इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ वेस्ट अफ्रीकन स्टेट्स यानी कि इकोवास का हिस्सा हैं। तो इन सब कंट्रीज आपस में मिलकर एक सिंगल करेंसी लॉन्च करेंगे जिसका नाम होगा इको। भारत का पहला डिजाइन विकास केंद्र किस राज्य में खोला गया है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी यानी कि गुजरात। तो गुजरात के सूरत शहर में पहला डिजाइन डेवलपमेंट सेंटर बनाया गया है। आपको बता दूं इसका नाम भी है, इसका नाम क्या है, फैशनोवा। और गुजरात के अभी अभी नए राज्यपाल बने हैं आचार्य देवव्रत, जो कि पहले हिमाचल प्रदेश के थे लेकिन अब हिमाचल प्रदेश के कलराज मिश्र बन गए हैं। तो इन दोनों को याद रखिएगा। इनमें से किस संगठन ने वर्किंग ऑन ए वार्मर प्लैनेट नाम की रिपोर्ट जारी की है? तो जैसा कि आप इस रिपोर्ट के नाम से ही समझ सकते हैं, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, इंग्लिश में बोले तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन यानी कि ILO। और अगर हम इस रिपोर्ट की बात करें तो इसमें यह कहा गया है कि आगे आने वाले समय में ग्लोबल वार्मिंग के चलते दुनिया भर में लोगों के कार्य करने के घंटों में कमी आएगी यानी कि वर्किंग आवर में कमी आएगी। और अगर हम भारत के रिस्पेक्ट में बात करें तो इसमें यह कहा गया है कि साल 2030 तक भारत में ग्लोबल वार्मिंग के चलते 5.8% वर्किंग आवर में नुकसान होगा। तो इसको आप याद रखिएगा। हाल ही में भारत और किस देश के बीच फेरी सेवा को मंजूरी मिल गई है? आपको पता होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने दूसरे कार्यकाल में सबसे पहले मालदीव का दौरा किया था। तो उसी बीच भारत और मालदीव दोनों देश आपस में फेरी सेवा शुरू करने के लिए सहमत हुए थे। तो अब इसको मंजूरी मिल गई है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी यानी कि मालदीव। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि भारत और मालदीव के बीच में किन दो शहरों के बीच में शुरू होगी? तो इसको भी आपको याद रखना है। मालदीव की राजधानी माले और केरल के कोच्चि इन दोनों शहरों के बीच में चलेगी, इसको भी आपको याद रखना है। एक ही वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा सेंचुरी लगाने का रिकॉर्ड किसने बनाया है? आई होप आप सभी ने इसका राइट आंसर किया होगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा यानी कि रोहित शर्मा। तो रोहित शर्मा ने इसी बार के वर्ल्ड कप में जो कि इंग्लैंड और वेल्स में हुआ था, तो इसमें इन्होंने सबसे ज्यादा शतक लगाए, टोटल इन्होंने 5 शतक लगाए थे, ये भी याद रखिए। और इतना ही नहीं, इस वर्ल्ड कप में इन्होंने सबसे ज्यादा रन बनाने का भी रिकॉर्ड बनाया है। टोटल इन्होंने इस वर्ल्ड कप में 648 रन बनाए थे जिसके लिए इन्हें गोल्डन बैट अवार्ड भी दिया गया था। तो चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, इसका राइट आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। जैसा कि आपको पता है इस बार का वर्ल्ड कप इंग्लैंड ने जीत लिया था, तो इंग्लैंड के कोच का नाम क्या था ये आपको बताना है। और इनका नाम इम्पोर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि इन्हें अब सनराइजर्स हैदराबाद जो कि IPL टीम है इसका कोच बना दिया गया है। तो आपको इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना है। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। किस देश की फुटबॉल टीम ने कोपा अमेरिका 2019 का खिताब जीत लिया है? इस क्वेश्चन पर हम लोग बाद में आएंगे, उससे पहले मैं आपको बता दूं आपको दो फुटबॉल टूर्नामेंट याद रखने हैं, एक तो है कोपा अमेरिका और दूसरा है कॉनकाकैफ गोल्ड कप। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है एक बार इनको देख लेते हैं। तो यहाँ पर जैसा कि आप मैप में देख सकते हैं, कोपा अमेरिका जो होता है इसे दक्षिण अमेरिका के देश आपस में मिलकर खेलते हैं, और जो कॉनकाकैफ गोल्ड कप है इसे उत्तर अमेरिका, मध्य अमेरिका और जो कैरेबियाई देश हैं ये सब आपस में मिलकर खेलते हैं। तो ये इनमें बेसिक सा डिफरेंस है, बाकी ये दोनों ही सेम लेवल के टूर्नामेंट हैं। तो इन दोनों को आपको एक साथ याद रखना है। अगर हम कोपा अमेरिका की बात करें तो इस बार इसका आयोजन ब्राज़ील में किया गया था और इसे ब्राज़ील ने ही जीत लिया है, तो इसको आपको याद रखना आसान है। लेकिन अगर हम कॉनकाकैफ गोल्ड कप की बात करें तो इसको 3 कंट्री ने मिलकर होस्ट किया था, अमेरिका, कोस्टा रिका और जमैका, और इस बार इसको जीत लिया है मेक्सिको ने। मेनली आपको इसे किसने जीता है ये आपको याद रखना है। तो कोपा अमेरिका जीता है ब्राज़ील ने और कॉनकाकैफ गोल्ड कप जीता है मेक्सिको ने। तो अब हम क्वेश्चन पर आते हैं, यहाँ पर कोपा अमेरिका का पूछा गया है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी यानी कि ब्राज़ील, क्योंकि इसका आयोजन भी ब्राज़ील में हुआ था और इसे जीत लिया है ब्राज़ील ने। तो फ्रेंड्स आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, आइए आगे बढ़ते हैं। PM नरेंद्र मोदी ने किस एयरपोर्ट पर लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमा का अनावरण किया? लाल बहादुर शास्त्री हमारे देश के दूसरे प्रधानमंत्री थे, इनकी स्टैचू का अनावरण किया गया है वाराणसी एयरपोर्ट पर। सो यहाँ पर ऑप्शन बी सही होगा। और आपको पता ही होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो लोकसभा क्षेत्र है वाराणसी ही है, तो आपको इसे आसानी से याद रहेगा। इनमें से कौन सा देश 2020 से हवाई जहाज के टिकटों पर ग्रीन टैक्स लगाएगा? सबसे पहले आपको बता दूं इस टैक्स को ग्रीन टैक्स इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि इस टैक्स से जो भी पैसा कलेक्ट होगा
उसका उपयोग ऐसी परिवहन परियोजनाओं को फंड प्रोवाइड करने के लिए किया जाएगा जिससे कम से कम प्रदूषण हो। तो इसको आपको याद रखना है, ये कौन सा देश शुरू करेगा? फ्रांस। तो फ्रांस नेक्स्ट ईयर यानी कि 2020 से हवाई जहाज की टिकटों पर ग्रीन टैक्स लगाएगा, ये आपको याद रखना है। और फ्रेंड्स, अगर आपको याद हो तो फ्रांस ने इस साल गाफा टैक्स शुरू किया है, जो बड़ी प्रौद्योगिकीय कंपनियां हैं उन पर, गूगल, एप्पल, फेसबुक और अमेजन। तो इसको आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से किस संगठन ने वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक यानी कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जारी किया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, यानी कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम मींस यूएनडीपी, और इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? न्यूयॉर्क में। इसमें यह कहा गया है कि भारत में 2006 से लेकर 2016 तक यानी कि इन 10 सालों के बीच में 271 मिलियन लोग गरीबी से बाहर हुए हैं। तो इसको आपको याद रखना है, पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट ये है कि भारत का वो कौन सा राज्य है जिसने सबसे ज़्यादा लोगों को मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से बाहर निकाला है? तो आंसर होगा झारखंड। तो झारखंड का प्रदर्शन सबसे अच्छा रहा राज्यों में, इसको आपको याद रखना है। हाल ही में विश्व बैंक का एमडी और सीएफओ किसे बनाया गया है? यहां पर एमडी का मतलब है मैनेजिंग डायरेक्टर और सीएफओ का मतलब है चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। तो बताइए इसका क्या आंसर होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि अंशुला कांत, जो कि एक भारतीय मूल की महिला है, इसलिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो विश्व बैंक की एमडी और सीएफओ कौन बनी है? अंशुला कांत। इसके अलावा ऑप्शन ए में है डेविड मलपास, जो कि विश्व बैंक के प्रेसिडेंट हैं यानी कि अध्यक्ष हैं। इसके अलावा ऑप्शन बी में है क्रिस्टालिना जॉर्जीवा, जो कि विश्व बैंक की सीईओ हैं। तो इन तीनों को ही याद रखेगा, डेफिनेटली आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। भारत के सबसे बड़े महिला स्टार्टअप शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, यानी कि केरल। तो केरल के कोच्चि में इस बार महिला स्टार्टअप शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा, आपको इसे याद रखना है। केरल की अगर हम बात करें, इसकी राजधानी है तिरुवनंतपुरम, मुख्यमंत्री हैं पिनाराई विजयन और राज्यपाल हैं पी सदाशिवम। हाल ही में मीडिया की स्वतंत्रता पर पहला वैश्विक शिखर सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया? इस सम्मेलन का आयोजन लंदन शहर में किया गया था, सो यहां पर ऑप्शन ए सही होगा। और आपको बता दूं कि इसमें भारत से कुल 3 लोगों ने हिस्सा लिया था। एक तो है प्रसार भारती के अध्यक्ष यानी कि डॉक्टर ए सूर्य प्रकाश, बाकी 2 लोग और थे, स्वप्नदास गुप्ता और कंचन गुप्ता। तो इनका नाम भी याद रखिएगा। अभी भी फोर्ब्स पत्रिका द्वारा सर्वाधिक कमाई करने वाले 100 सेलिब्रिटीज की लिस्ट जारी की गई है, आपको बताना है इसमें पहले स्थान पर कौन है। इसमें पहले नंबर पर है टेलर स्विफ्ट, जो कि एक अमेरिकन सिंगर हैं। तो इनका नाम याद रखिएगा, पहले नंबर पर है टेलर स्विफ्ट। अगर हम इंडियन की बात करें तो इंडिया से इसमें सिर्फ एक ही व्यक्ति हैं, अक्षय कुमार, जिनकी इसमें रैंक है 33। तो ये रहा अगला क्वेश्चन। 23वें भुकियान इंटरनेशनल फैंटास्टिक फिल्म फेस्टिवल में इनमें से किस फिल्म ने नेटवर्क फॉर प्रमोशन ऑफ एशियन सिनेमा पुरस्कार जीता है? तो ये फिल्म है गली बॉय, सो यहाँ पर ऑप्शन डी सही होगा। और इसकी डायरेक्टर कौन है? इनका नाम है जोया अख्तर। तो इनका नाम याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में डायरेक्टर का नाम भी पूछा आता है। जुलाई 2019 में ऑपरेशन थ्रस्ट किसके द्वारा चलाया गया? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, यानी कि भारतीय रेलवे। तो हमारी इंडियन रेलवेज ने ऑपरेशन थ्रस्ट शुरू किया था ताकि रेलवे परिसर के अंदर जो भी अनऑथराइज्ड पैकेजिंग ड्रिंकिंग वाटर की सेल की जाती है उसको रोका जा सके। तो इसको आप याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। किस देश में दुनिया के सबसे बड़े मेटल डोम का उद्घाटन किया गया? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि यूक्रेन। तो यूक्रेन में दुनिया के सबसे बड़े मेटल डोम का उद्घाटन किया गया है। अब चूंकि ये सबसे बड़ा है तो आपको इसकी ऊंचाई भी पता होना चाहिए। इसकी ऊंचाई है 108 मीटर और इसका वजन है 36,000 टन। यहां पर आपको बता दो, यूक्रेन एक यूरोपियन कंट्री है और कुछ समय पहले यहां के नए राष्ट्रपति बने हैं व्लादिमीर जेलेंस्की। तो आपको इनका नाम भी याद रखना है। तो ये रहा आपके लिए अगला सवाल। फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप 2019 कहां पर आयोजित किया जाएगा? तो जैसा कि आप यहां पर इसके लोगों में देख सकते हैं, यहां पर लिखा है ब्राजील। तो इस बार इसका आयोजन ब्राजील में किया जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आपने इस वीडियो को अभी तक ध्यान से देखा है तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं कि ब्राजील जो है इसने इस बार कौन सा फुटबॉल टूर्नामेंट जीता है? किस कंपनी ने $34 बिलियन में रेड हैट इंक का अधिग्रहण कर लिया है? यहां पर आपको बता दूं, जो रेड हैट इंक है ये अमेरिका की एक मल्टीनेशनल सॉफ्टवेयर कंपनी है।
तो यहां पर आपको बताना है कि इसे किसने एक्वायर कर लिया है। सही उत्तर होगा ऑप्शन सी यानी कि आईबीएम। तो आईबीएम यानी कि इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स कॉर्प्स, इसने रेड हैट इंक का अधिग्रहण कर लिया है। और फ्रेंड्स आपको बता दूं जो आईबीएम है ये भी अमेरिका की ही कंपनी है, तो इसको आप याद रखिएगा। और अगर आपको याद हो तो हाल ही में टीसीएस कंपनी ने बाजार पूंजीकरण के मामले में आईबीएम कंपनी को ही पीछे छोड़ दिया था, तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनेस्को ने भारत के किस शहर को विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल कर लिया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कि जयपुर। तो जयपुर जो कि राजस्थान की राजधानी है और इसे इंडिया का पिंक सिटी भी बोला जाता है, तो इसे यूनेस्को ने इस बार वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की लिस्ट में शामिल कर लिया है। और इसी के साथ अब भारत में टोटल 38 विश्व धरोहर स्थल हो चुके हैं। अगर आपसे ये पूछा जाए कि इन 38 में से सबसे ज़्यादा वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स किस राज्य से हैं, तो आंसर होगा महाराष्ट्र, क्योंकि महाराष्ट्र से सबसे ज़्यादा 5 विश्व धरोहर स्थल हैं, तो इसको आप याद रखिएगा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस बार जयपुर शहर को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की लिस्ट में शामिल किया गया है, तो ऐसा नहीं है कि पहली बार किसी शहर को शामिल किया गया है, इससे पहले भी भारत के अहमदाबाद शहर को इस लिस्ट में शामिल किया जा चुका है। तो जयपुर अब दूसरा शहर बना है, इसको भी आप याद रखिएगा। यहाँ पर आपको बता दूँ यूनेस्को जो है इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, और इसका हेडक्वार्टर है पेरिस में। छत्तीसगढ़ के किस शहर में कृषि व्यवसाय उद्भवन केंद्र यानी कि एग्री बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर का शुभारंभ किया गया है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि रायपुर। तो रायपुर में जो इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय है उसी के परिसर में इसका उद्घाटन किया गया है। और फ्रेंड्स आपको बता दूं कि छत्तीसगढ़ हाल ही में कई सारे कारणों से चर्चा में रहा, जैसे अब छत्तीसगढ़ की नई राज्यपाल बन गई हैं अनुसुईया उइके, और लोगों की समस्याओं को सुनने के लिए एक जन चौपाल कार्यक्रम भी शुरू किया गया था, तो इसको भी आप याद रखिएगा। किस राज्य सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों के लिए 8,30,000 घर बनाने का निर्णय लिया है। सही उत्तर होगा ऑप्शन सी यानी कि पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल सरकार ने 8,30,000 घर बनाने का निर्णय लिया है, कौन सी योजना के तहत, तो इस योजना का नाम है बंगला आवास योजना। फ्रेंड्स आपको बता दूं हाल ही में और भी कई सारी योजनाओं के कारण चर्चा में रहा, जैसे कि यहां पर एक योजना शुरू हुई है मुफ्त फसल बीमा योजना, इसके अलावा कुछ समय पहले कृषक बंधु योजना शुरू हुई थी, तो इन दोनों को याद रखिएगा। इसके अलावा यहाँ की दो योजनाओं को संयुक्त राष्ट्र द्वारा सम्मानित किया गया है, इन दोनों का नाम क्या है, उत्कर्ष बांग्ला और साबू साथी। और अभी अभी पश्चिम बंगाल के नए राज्यपाल बने हैं जगदीप धनखड़। किस राज्य की सरकार ने मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल लॉन्च किया है। इस पोर्टल को शुरू किया है हरियाणा सरकार ने, सो यहाँ पर ऑप्शन बी सही होगा। और आपको बता दूं इस पोर्टल पर वहाँ के जो भी किसान हैं वो अपने खेत और फसल की डिटेल्स को रजिस्टर कर सकते हैं। इससे फायदा यह होगा कि जब भी राज्य सरकार उन्हें कोई बेनिफिट देना चाहेगी तो आसानी से उन्हें दे पाएगी, क्योंकि उन सभी किसानों का डेटा राज्य सरकार के पास होगा, तो इसको आप याद रखिएगा। फ्रेंड्स इसी से मिलता जुलता एक और पोर्टल है जिसका नाम है भूधार, तो ये आपको बताना है कि ये किस राज्य सरकार का है। हाल ही में किस शहर में एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म क्लब शुरू किया गया है जिसका नाम है क्षितिज। आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि मुंबई। इसके अलावा आपको बता दूं मुंबई में नेशनल म्यूजियम फॉर इंडियन सिनेमा यानी कि भारतीय सिनेमा के लिए राष्ट्रीय संग्रहालय का उद्घाटन भी किया गया था, तो ये भी आप याद रखिए। अफगानिस्तान क्रिकेट टीम का कैप्टन किसे बनाया गया है। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि राशिद खान। तो अब राशिद खान अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के कैप्टन बन गए हैं। और फ्रेंड्स इस बार के क्रिकेट वर्ल्ड कप में जो भारत की अमूल कंपनी है इसने अफगानिस्तान क्रिकेट टीम को स्पॉन्सर किया था, यह भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस दिन से पूरे देश में वन नेशन वन राशन कार्ड योजना लागू हो जाएगी। तो काफी इंपॉर्टेंट योजना है, बताइए इसका क्या आंसर होगा। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी यानी कि 1 जुलाई 2020। तो जैसा कि इस योजना के नाम से ही पता चल रहा है कि अब देश में केवल एक ही राशन कार्ड के जरिए कोई भी व्यक्ति पूरे देश में किसी भी राशन की दुकान से जो सब्सिडी वाला अनाज होता है उसे आसानी से खरीद सकता है। बस इसमें शर्त यह है कि जो राशन कार्ड है वो आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए। तो ये योजना जो है ये अगले साल यानी कि 1 जुलाई 2020 से लागू हो जाएगी, आपको इसे याद रखना है। तो फ्रेंड्स अब तक आपने वीडियो को ध्यान से देखा होगा, अब यहाँ पर आपके लिए दो क्वेश्चन हैं, इनका राइट आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। तो ये रहा पहला क्वेश्चन,
भारत की सबसे लंबी विद्युतीकृत सुरंग किस राज्य में बनी है? तो यहाँ पर आपके सामने चार ऑप्शन हैं, इनमें से आपको राइट आंसर चूज करना है। और उसके बाद अगला क्वेश्चन है, विंबलडन ओपन 2019 के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? रोजर फेडरर, राफेल नडाल, डोमिनिक थियम या फिर नोवाक जोकोविच? तो इस वीडियो को अभी पॉज कर लीजिए और इन दोनों ही क्वेश्चन का राइट आंसर आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो फ्रेंड्स, ये था आज का कंप्लीट वीडियो। इसमें हमने जुलाई के सेकेंड वीक से यानी कि 8 से लेकर 14 जुलाई तक जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे उनको हमने डिटेल में डिस्कस किया। आई होप आप सभी ने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। ये वीडियो आपको कैसे लगी नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें, और सबसे जरूरी चीज़ इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करें। आप जिस भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हैं वहाँ पर इस वीडियो को जरूर शेयर करें, और अगर आपका इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल या सुझाव हो तो नीचे कमेंट कीजिए, मैं आपको उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। और ऐसे ही क्रिएटिव एजुकेशनल वीडियोस के लिए YT स्टडी YouTube चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, और साथ में आने वाले बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हम जब भी कोई नई वीडियो डालें आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं जल्द मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।